नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा ने खुद इसकी जानकारी विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जो 5 राज्यों का चुनाव होना है उसमें असम में 3 चरणों में, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में 1 चरणों में चुनाव होगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव करने का ऐलान किया गया है। बता दें कि जो पश्चिम बंगाल में 8 चरण का चुनाव का ऐलान किया गया उसमें 27 मार्च को पहले चरण, 6 अप्रैल को दूसरा चरण, 10 अप्रैल को तीसरा चरण, 17 अप्रैल को चौथा चरण, 22 अप्रैल को पाँचवा चरण, 26 अप्रैल को छठा चरण, 29 अप्रैल को सातवां चरण और इसके अलावा जो है एक आखिरी चरण किया जाएगा। इसके अलावा असम में 3 चरणों में चुनाव किए जाएंगे। पहले 27 मार्च को, दूसरा चरण 1 अप्रैल को, तीसरा चरण 6 अप्रैल को। साथ ही जो तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में केवल एक फेज में 6 अप्रैल को चुनाव समाप्त कर दिए जाएंगे। सबसे दिलचस्प चुनाव जो है पश्चिम बंगाल का देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस फिलहाल पश्चिम बंगाल में काबिज है और यहाँ पर बीजेपी और उनकी जो टीएमसी है उनके बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता यहाँ पर रैली करना शुरू कर चुके हैं और जो अलग अलग चैनल्स और मीडिया रिपोर्ट्स में जो ओपिनियंस पोल्स आ रहे हैं वो भी बीजेपी और ममता के बीच की टक्कर दिखाई दे रही है। साथ ही बिहार से भी कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि बंगाल में अपने किस्मत को आजमाते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि बिहार का सीमावर्ती इलाका है बंगाल और उसको देखते हुए भी कई जो बिहार की राजनीतिक दल है उसमें अपना किस्मत आजमाती हुई नज़र आ सकती है। पिछले दिनों जो बिहार में मुख्य विपक्षी दल है लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, उन्होंने भी ऐलान किया था कि वो बंगाल चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी और सिर्फ पार्टिसिपेट चुनाव जीतने के लिए नहीं करेगी बल्कि बीजेपी को रोकने के लिए यहाँ वो पार्टिसिपेट करेगी। इसके अलावा जेडीयू, एलजेपी भी और साथ ही साथ जो जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है वो भी इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी मन बना चुकी है। इसके अलावा दक्षिण में जो केरल और तमिलनाडु में जो चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी एंट्री करना चाहेगी। केरल में पिछले दिनों जो मेट्रोमैन के नाम से मशहूर श्रीधरन भी अपने बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा वहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और लेफ्ट के बीच देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी वहाँ पे तमिलनाडु में AIADMK जो तमिल भाजपा बीजेपी है वो AIADMK के साथ गठबंधन कर सकती है। इसके अलावा पिछले दिनों पुडुचेरी में जिस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगा दी गई थी, विधानसभा चुनाव को देखते विधानसभा को भंग कर दिया गया था, वहाँ का भी चुनाव बहुत ही अहम हो सकता है। असम में भी जो वहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ भी मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल सकता है। बता दें कि जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना वायरस को देखते हुए गाइडलाइन जारी किए गए थे, उसी तरह की पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ भी रखा जाएगा। जो मतदान की टाइमिंग है वो 1 घंटे बढ़ा दी गई है। 1 घंटे बढ़ाने के साथ ही उसमें जो है सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम चीज़ें बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी, इलेक्शन कमीशन की जो तैयारी थी वो सभी तैयारी जो है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। फिलहाल 2 मई को सभी जो विधानसभा चुनाव हैं उनके नतीजे आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि सभी राज्यों में किसकी वापसी होती है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।